अवनीत कौशल डांसर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हीरोइन, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? इस कमर्शियल में जो ये लड़की कह रही है वो अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म टीकू वेट शेरू में लीड रोल में। इसी फिल्म के साथ कंगना रनौत प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी पारी का आगाज करने जा रही हैं। अवनीत कौर को लेकर आपको और बताने से पहले फिल्म टीकू वेट शेरू के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। कंगना के मुताबिक ये डार्क ह्यूमर के साथ सटायर वाली लव स्टोरी है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिराज खान अफगानी उर्फ शेरू का रोल निभा रहे हैं। वही अवनीत कौर फिल्म में तस्लीम खान उर्फ टीकू बनी हैं। इस फिल्म को साई कबीर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 2014 में कंगना को रिवॉल्वर रानी में डायरेक्ट किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने नेचुरल एक्टर हैं हर कोई जानता है, लेकिन अवनीत कौर हीरोइन के नाते बॉलीवुड के लिए नया नाम है। हालांकि टीवी सीरियल्स के दर्शक अवनीत की एक्टिंग से वाकिफ हैं। अवनीत सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में प्रिंसेस यास्मीन के रोल में नजर आई थी। स्टार प्लस के सीरियल चंद्रा नंदिनी में अवनीत ने प्रिंसेस चारुमती का रोल निभाया था। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में अवनीत के लुक वाला फिल्म का पोस्टर रिलीज करने के साथ लिखा, चलो तो चांद तक नहीं तो शाम तक, मिलिए तस्लीम खान उर्फ टीकू से। पोस्टर में अवनीत कुछ दशक पहले बॉलीवुड में कैबरे डांसर के किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हेलेन जैसी लुक में नजर आ रही हैं। कंगना की प्रोड्यूस की गई फिल्म में नवाजुद्दीन जैसे बड़े स्टार के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर ब्रेक मिलने पर अवनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। इसमें टीकू वेट शेरू फिल्म की न्यूज कटिंग्स के साथ एक क्लिप शेयर किया है। इसमें वो 2010 में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर शो में स्टेज पर रोती नजर आ रही हैं। इस शो में अवनीत पहले 3 कॉन्टेस्टेंट्स में चुनी गई थी। वही गेस्ट जज की कुर्सी पर बैठे अभिषेक बच्चन उनसे कहते नजर आते हैं, कुछ साल बीत जाने दो, तुम फिल्म इंडस्ट्री में आओगी और बहुत सारी फिल्में करोगी। अवनीत ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ लिखा, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। अवनीत कौर ने 9 साल की उम्र में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर शो से शुरुआत की। फिर 2012 में अवनीत ने झलक दिखला जा सीजन 5 में हिस्सा लिया। रानी मुखर्जी की 2014 में रिलीज फिल्म मर्दानी में बाल कलाकार के तौर पर अवनीत नजर आईं। फिर 2019 में मर्दानी पार्ट 2 में भी अवनीत ने एक कैमियो किया। इससे पहले 2017 में अवनीत रोमांटिक कॉमेडी करीब करीब सिंगल में भी नजर आई थी। इस फिल्म में इरफान खान और पार्वती थिरुवोथु लीड पेयर में थे। टैलेंटेड अवनीत कई म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं। 13 अक्टूबर 2001 को पंजाब के जालंधर में जन्मी अवनीत कौर की स्कूली पढ़ाई वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल में हुई। अवनीत का बॉलीवुड में हीरोइन के नाते आगाज शानदार है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस अंजाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके जहन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। देशनामा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।